हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, अभी हमने जाना बाज़ार और आके बनाते हैं खाना। फटाफट निकलती हूँ बाज़ार, चलो पहले मेरे साथ, उसके बाद खाना बनाते हैं आके, क्योंकि अभी बच्चों ने भी नहीं खाया और ना ही मैंने खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ हमने, तो आते वक्त काव्य को लेके आऊँगी साथ में। फ्रेंड्स, हम पहुँच गए थे मार्केट और यहाँ से मैंने लेनी है धरा की यूनिफॉर्म, और वो PCM जहाँ बच्चों की यूनिफॉर्म मिलती है वहीं से लूँगी, वो नीचे है अभी दूसरी साइड। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे छोटा छोटा सामान, जो जुराबे वगैरह लेनी है मैंने इनकी, ये इस दुकान से मैंने ले लिया था सामान, जुराबे ली थी और छोटा छोटा सामान लिया था यहाँ से मैंने। तो चलते हैं फ्रेंड्स यूनिफॉर्म लेने। और यहाँ पर देख रहे थे मार्केट, अभी रश तो है नहीं है इतना, बट हाँ धरा बोल रही थी मैंने रिंग लेनी है, और ये जो लेडीज़ बैठी होती हैं इनके पास देख रहे थे हम रिंग, बट धरा का साइज़ था नहीं, बड़े साइज़ थे इनके पास। तो बस छोटा छोटा सामान देखते हुए चलते हैं PCM की ओर और लेते हैं यूनिफॉर्म। तो बस फ्रेंड्स, मैंने यूनिफॉर्म ले ली बच्चों की, अभी धरा की ली है। धरा ने इतनी, धरा कितने की है यूनिफॉर्म? अभी धरा ने चूना लगाया है 2-3 हज़ार का। रश देख लो बाजार, अभी ये सुबह का टाइम है। खाया नहीं है, खाई मैंने मंकी कहा हमारे यार, नेल कटर भी लेना था। है? नेल कटर पहले खड़ी है तू, जब बैग ले आ, बैग ले आओ, जो दर ले आ बैग। बस फ्रेंड्स, घर आके बना रही हूँ चाय। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी वापस घर, आके बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए। नाश्ता नहीं, अब लेट ही हो गया क्योंकि अर्पित जो है तब सोया हुआ था, उसके पैर में मोच आई हुई है, तो एक पैर में ना स्वेलिंग हो गई, उससे चला भी नहीं जा रहा था, तो आज वो स्कूल नहीं गया। और धरा भी नहीं गई, धरा का डर क्या है, कह रही थी मैंने जब तक यूनिफॉर्म नहीं लेके दोगे तब तक नहीं जाना, और साथ में भैया नहीं जा रहा, और मैंने ना इनको फिर रहने ही दिया। ये देख लो, चाय बना रही हूँ बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, क्योंकि मैंने भी सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ। बस फ्रेंड्स, अभी मैं आटा गूंद रही हूँ, मूली, अजवाइन, मिर्ची और ग्रीन चिल्ली थी नहीं वो भी डालती, और मैं आटा गूंद लेती हूँ मक्की का और बनाते हैं मक्की की रोटी, नाश्ता बनाते हैं। और ये मैंने मूलियाँ जो है वो ऐड अच्छी तरह से कर दी थी आटे में। तो बस फ्रेंड्स, मैंने आटा गूंद दिया, अब देखती हूँ कैसे बनती है कैसे नहीं। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे तेल भी रख दिया मैंने गरम अच्छी तरह से, थोड़ा थोड़ा लगा दूंगी जब मक्की की रोटी बनाऊंगी ना, घी तो है नहीं है डालडा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बना लो, पेड़ा लेके ना मोमी लिफाफे में रख देना और ऊपर से हाथ बिल्कुल आराम से सर्कल करते जाना, और आराम से वो पेड़ा जो है जब रोटी बन जाएगी तो निकाल लेना लिफाफे में से। मैं बताती जाती हूँ, आप देखते जाओ ध्यान से। तो आजकल तो चलो सब बना ही लेते हैं देख देख के, बट मुझे ये अच्छी लगी थी ट्रिक, तो मैंने भी इसका फ़ायदा उठाया और आप भी उठाओ, और रोटी बहुत अच्छी बनेगी इससे ना, बिल्कुल गोल और सॉफ्ट सी बनेगी। और फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से मैंने रोटियां बना ली थी, ये देख लीजिए, और बहुत सॉफ्ट बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। आप भी ये ट्रिक अपनाओ। और एक ये मैंने बना दी रोटी, रख दी बना के, और इतनी सॉफ्ट बनी है ना।
और साथ में मैंने सब्जी बनाई है पनीर की भुर्जी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को रखते हैं कंटिन्यू। यह है दूसरा दिन, सुबह के बज गए हैं 7:30 और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। अभी हो गए, मतलब अभी हो रहे हैं रेडी और मैं अब कर रही हूँ उनके नाश्ते की तैयारी और जो उन्होंने टिफ़िन लेके जाना। आज बच्चों ने मुझे डिमांड किया है मैं क्यों नहीं लेके जाने की। तो दोपहर को फ्रेंड्स मैं ये दाल बनाऊंगी, मैंने रात को भिगो के रख दी थी और अब लगा लेती हूँ मैक्रोनी को तड़का और साथ में बना लेती हूँ दाल। तो फ्रेंड्स मैंने मैक्रोनी जो है वो बॉईल करके रख दी थी और लगा दिया तड़का, तो बस एक दो मसाले का पैकेट पड़ा था वही डाला और सिंपल सी मैक्रोनी हो गई रेडी ये वाले। और फ्रेंड्स ये जो मेरे पास चिली फ्लेक्स पड़े थे और ये एक दो पैकेट पड़ा था मसाले का वही डाला बीच में और बच्चों को कर दिया था टिफ़िन पैक। और ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल यानी कि थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट व्लॉग में।